दोस्तों आज की कहानी एक ठरकी बावले मजनू बुड्ढे की है, जिसके कर्म कांड को देख कर तुम भी फेल हो जाओगे। जिसने अपने पड़ोस माई नई भाभी को पलंग तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जहाँ कहीं भी ठुकाई होती है ये बुड्ढा अपना औजार लेके वहाँ पहुँच जाता है, और आखिर में ये बुड्ढा उसके साथ पलंग तोड़ ही देता है। तो चलिए देखते हैं इस ठरकी बुड्ढे के ठरकी कांड को। दोस्तों अगर आपको ये बुड्ढा बोलता है कहीं हमारा पड़ोसी मच्छी सुसाइड न कर ले, तो इस पर उसकी बीवी कहती है पागल हो क्या तुम, इंग्लिश मैन कभी सुसाइड नहीं करते। इसके बाद ये ठरकी बुड्ढा बोलता है चलो सुनो अब तुम मेरी कहानी, मैं हूँ बुड्ढा बहुत हरामी। इसके बाद ये अपनी गली में लौंडिया ताड़ने निकल जाता है, लेकिन उसे लौंडिया तो दिखती नहीं, पर सामने मच्छी के घर से उसे धुआं निकलते हुए दिख जाता है। वो झट से मच्छी के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो मच्छी को अपनी लुगाई की चोली और कच्ची जलाते हुए देखता है। तो बुड्ढा बोलता है मच्छी भाई ये क्या कर रहे हो, तूफान में छतरी खोली नहीं जाती, चोली से पहले कच्ची नहीं खोली जाती, मुठ मारना शुरू कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि जुबान और उंगली से औरत नहीं ठोकी जाती। ये सुनकर मच्छी गुस्से में अपनी बीवी का और भी सामान जलाने वाला होता है, जिसमें उसकी डायरी भी होती है। तभी किसी काम से मच्छी अपने घर में चला जाता है, तो बुड्ढा बॉक्स के अंदर देखता है कोई चोली और कच्ची तो नहीं बच्ची मेरे सूंघने लायक। लेकिन बुड्ढे को एक डायरी मिलती है, जिसे चुरा के वो रात में उसकी डायरी पढ़ने लगता है। अब कहानी फ्लैश बैक में जाती है, जहाँ बुड्ढा फिर से लौंडिया ताड़ में बाहर जाता है। वही उसकी मुलाकात मच्छी और उसकी लुगाई लाना से होती है, जो कि लंदन से फ्रांस में रहने आए थे। अगले दिन लाना मच्छी के साथ बुड्ढे की दुकान पर बैग लेने आती है। वही बुड्ढा लाना को ऐसे देखता है मानो लाना को आंखों आंखों में ठोक दे। लाना बुड्ढे के बैग को सूंघने लगती है, वो कहती है ताजा है या बासी। तो बुड्ढा मन ही मन में सोचता है जितना सुंदर थोबड़ा है उतना ही बड़ा इसका झोपड़ा है, जब भी मैं तुझे ठोकूंगा तो पात देगी, उसे सूंघकर तू मुझे ठोकने की दाद देगी। यहाँ से ये ठरकी बुड्ढा लाना को फेलने का प्लान बनाता है। वो अपने कुत्ते को लाना की कुत्तिया का गेम मजाने भेजता है। इसी बहाने वो बुड्ढा लाना से मिल जाता है, और बातों बातों में बुड्ढा लाना से कहता है आओ मैं तुम्हें अपना दिखाऊं। ये सुनकर और देखकर मैं भी डर गया था, कहीं ये ठरकी बुड्ढा सही में लाना को अपना केला ना दिखा दे। लेकिन वो लाना को गार्डन का रास्ता दिखाता है, और लाना जब बुड्ढे को बाय बोल कर जाती है, जिसे देखकर 10 साल से मुरझाया हुआ बुड्ढे का केला टन हो जाता है। उसी रात मच्छी बुड्ढे को बुलाने आता है, क्योंकि मच्छी लाना के घर की लाइट भाग गई थी। तो बुड्ढा लाइट को थैंक यू बोलता है, और एक झटके में लाना को ताड़ने के लिए जाकर उसकी लाइट सही कर देता है। लेकिन बुड्ढे की किस्मत खराब होती है, वही उसकी लुगाई भी आ जाती है। मच्छी और बुड्ढे की लुगाई आपस में बात कर रहे होते हैं, वही ये ठरकी बुड्ढा लाना को ताड़ते हुए सोचता है सफलता की चाबी और घर के सामने सुंदर भाभी हर किसी के नसीब में नहीं होती। तभी लाना बुड्ढे को देख लेती है, वो सोचती है साला ये तो मुझे रगड़ना चाहता है, ठोकने की इस बुड्ढे को बीमारी लगे, दो बच्चों की माँ भी इसको कुंवारी लगे। वही बुड्ढा सोचता है आंखों से तीर क्या मार रही है, तलवार मार दे, अगर सच्चे दिल से ठुकरा है तो सलवार उतार दे। अगले दिन लाना फिर से बुड्ढे की दुकान पर बैग लेने आती है, वो फिर से बैग को सूंघती है, तो बुड्ढा बोलता है लाना तुम्हारी खुशबू का आगे मेरे बैग की खुशबू कुछ भी नहीं है, क्या तुम मेरी ब्रेड में अपना पानी डालोगी। तो लाना कहती है क्या कैसा पानी, अरे खुशबू का पानी। तो लाना कहती है हाँ क्यों नहीं। तो बुड्ढा बोलता है आजा फिर अंदर, जहाँ बुड्ढा बोलता है थोड़ा सा आगे करो थोड़ा सा पीछे करो, हल्का सा जोर लगाओ, टाइट से पकड़ो और धीरे धीरे रगड़ो, और एक बार में पूरा ले लो। जिसे देख कर बुड्ढा सोचता है ठुकाई में ऐसा कमाल कर दूंगा, चूस चूस के तेरी चूची लाल कर दूंगा। वही ये सब काम करके लाना को गर्मी चढ़ जाती है, और वो अपना माल पानी निकाल देती है, जिसे देख कर बुड्ढा सोचता है बहुत दूध है तेरे सीने में, मजा आएगा दबा दबा के पीने में। यहाँ तो बुड्ढा पागल हो जाता है, वो लाना से कहने लगता है किसी का दिल अंदर से बड़ा होता है तो किसी का बाहर से। लेकिन लाना मुस्कुरा जाती है और इससे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लाना से एक लड़की मिलती है, वो उसे बताती है ये देख मैंने अपने चूतड़ों को इतना सुंदर एक्सरसाइज करके बनाया है, तू भी बना ले मौज आ जाएगी तेरी। ये सुनकर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, वो सोचती है इससे मेरे भी तरबूज खरबूज बन जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो ठरकी बुड्ढा लाना से मिलता है, वो कहता है तुम बहुत दिनों से मेरी दुकान पर बैग लेने नहीं आई। तो लाना कहती है मैं डाइटिंग पर हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। तभी ठरकी बुड्ढा लाना को पीछे से देखकर बोलता है चाल बदल गई तेरी, लगता है तू बन गई घोड़ी, खूब फुला तू चोड़ी चोड़ी। बुड्ढा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लाना के चिल्लाने की आवाज आती है, वही बुड्ढा दौड़े दौड़े आ जाता है। वो देखता है कि लाना के पीछे कीड़े ने काट लिया है। वही बुड्ढा बोलता है मुझे ये खोलना पड़ेगा। तो लाना कहती है खोल दे बुड्ढे, जो खोलना है खोल दे, मेरी फटके 64 हो गई है। तो बुड्ढा बोलता है पिंक पिंक। तो लाना कहती है ठरकी चोली मत देख, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कर। तो बुड्ढा बोलता है मुझे चूस के जहर बाहर निकालना होगा। तो लाना कहती है अबे बुड्ढे चूसम चुसाती जो करनी है वो कर, बस तू मुझे सही कर दे। तो बुड्ढा कहता है पक्का चूसूं? तो लाना कहती है हाँ हाँ जल्दी चूस, और वही बुड्ढा लाना की पीठ चूसने लगता है। वही दूसरी तरफ इस बुड्ढे के पड़ोस का एक
चूस चूस के जो है बाहर निकाल रहा हूँ। वही अचानक लाना बेहोश हो जाती है और वो दोनों मिलकर लाना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब लाना होश में आती है तो वो बुड्ढे को थैंक्स कहती है और लाना चुसाता को हवस भरी नजरों से देखने लगती है। और घर जाते टाइम लाना बुड्ढे के कंधे पर सर रख लेती है जिससे बुड्ढे को सातवें आसमान की जन्नत का फील होने लगता है। एक दिन लाना मार्केट में सामान लेने जाती है तो वही अपनी दुकान से घर की बुड्ढा उसे ताड़ने लगता है। तभी वही चुसाता लाना से मिलता है और वो आपस में बात करने लगते हैं। तो वही से बुड्ढा अंदाजा लगा लेता है क्योंकि वो जानता है कि ये साला चुसाता लाना को पेलने की खुराक में है। और मन ही मन खुद से कहता है मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे की भाव में खेल रहे होंगे। वही लाना चुसाता को बाय बोलकर चली जाती है। अब घर पहुँचने पर मच्छी लाना से कहता है आज मैंने पार्टी रखी है तुम शॉप से जाके तगड़ा खर्रा लेके आ जाओ। इसके बाद लाना शॉप से खर्रा लेने जाती है जहाँ उसे चुसाता मिलता है। वो लाना को एक वाइन सजेस्ट करता है और लाना वही खर्रा खरीद लेती है। खर्रा खरीद के लाना अपने घर जा रही होती है और वही टर्की बुड्ढा लाना को जी तोड़ देख रहा होता है। उसे लगता है कि लाना अपने घर जा रही होगी लेकिन तभी वो चुसाता के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। ये देख कर बुड्ढा और सटिया जाता है और लाना चुसाता के घर में चली जाती है। वहीं ये बुड्ढा चुसाता के घर के बाहर इसका वेट करने लगता है लेकिन वो काफी देर तक बाहर नहीं आती। तो बुड्ढा सोचने लगता है कि इसको तो अपने घर में होना चाहिए और ये अंदर क्या कर रही है। और मन ही मन सोचता है मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन फिर बुड्ढा सोचता है नहीं नहीं ये तो बस ड्रिंक कर रहे होंगे और वो अपने घर चला जाता है। उसी रात लाना के घर पर पार्टी होती है। वहाँ पर हमेशा की तरह सब आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन ये बुड्ढा लाना को ताड़ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है मैंने 120 मिनट गिने थे तूने अंदर कुछ कांड तो किया होगा। तभी वो देखता है कि लाना की गर्दन पर लव बाइट का निशान है। इसने अपने काला तवा मेरे ठोकने से पहले रगड़वा दिया और सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन चुसाता की कार में इसे हॉस्पिटल ले जाता और ना ही लाना चुसाता से मिलती। अगले दिन बुड्ढा चुसाता से मिलता है। वो कहता है बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी। तो वो कहता है यार मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो बुड्ढा सोचता है साले कंसंट्रेट कैसे करेगा तुझे तो ठुकाई की मौज मिल रही है। लाना को बचाते हुए बुड्ढा बोलता है बेटा ठुकाई करो डेली अगर वो मिल जाए अकेली अगर ना मिले अकेली तो पकड़ लो उसकी सहेली अगर ना मिले सहेली तो जिंदाबाद अकेली बस ठुकाई करो डेली। इसके बाद बुड्ढा फिर से लाना को चुसाता के घर जाते हुए देखता है जहाँ हम देखते हैं कि चुसाता लाना का गेम बजा रहा है। ये देखकर बुड्ढे के दिल में 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो सोचता है हैंडपंप पे एतबार किसको है मिल जाए ठोकने को तो इनकार किसको है। बहुत मुश्किलें हैं तितली पाने में दोस्त वरना मुठ मारने से प्यार किसको है। आगे दिखाते हैं कि लाना का पति कुछ समय के लिए लंदन गया है और लाना अपने खरबूजे में भूकंप लाते हुए बुड्ढे की दुकान पर ब्रेड लेने आती है और जाते टाइम वो ब्रेड बुड्ढे की दुकान पर भूल जाती है। तो बुड्ढा झट से वो देने उसके घर आ जाता है लेकिन उस बुड्ढे को गपा गप के बाद बाहर से आने लगती है। वो समझ जाता है कि अंदर पलंग तोड़ खेल बज रहा है। वही बुड्ढा सोचता है मेरी बंदी ये ठोक रहा है मैं कब ठोकूंगा। अगले दिन लाना का पति मच्छी घर आ जाता है और लाना फिर ये बोलकर घर से निकल जाती है कि वो वॉक पर जा रही है। लेकिन लाना पीछे वाले गेट से ट्रैकिंग सेंटर स्कैन करती है चुसाता के घर पहुंच जाती है जहाँ चुसाता लाना को दबा दबा के हैंडपंप देता है। तभी चुसाता की माँ की एक मूर्ति टूट जाती है और उसकी पट्टी चार हो जाती है। वो कहता है मेरी माँ मुझे जान से मार देगी लेकिन लाना कहती है मेरा पति कारपेंटर है वो दो झटके में इसे सही कर देगा। सुनो मेरे पास बस एक घंटा है जो करना है जल्दी कर लो। आग ठंडी होने के बाद लाना चुसाता से मिलती है। वो कहती है तू लंदन चलेगा हमें सही है मेरे साथ। तो चुसाता कहता है मैं मरते दम तक साथ चलूंगा तेरे। अगले दिन लाना बुड्ढे की दुकान से ब्रेड लेने आती है। लाना बुड्ढे से कहती है अब मैं थोड़े दिनों में हमेशा के लिए लंदन चली जाऊंगी। और चुसाता का दिल यानी